चलिए इसी के साथ एक नजर डालते हैं उस वक्त की बड़ी खबर पर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस नेता पवन खेड़े हुए गिरफ्तार। असम पुलिस ने कांग्रेस नेता को गिरफ्तार कर लिया है। पवन खेड़ा की गिरफ्तारी से अब कांग्रेस जो है भड़क गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की गिरफ्तारी हो गई है। असम पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तारी के बाद जो है अब कांग्रेस काफी ज्यादा भड़क गई है। गिरफ्तार के विरोध में सीएम भूपेश बघेल का भी बयान आया है। आपको बता दें, पवन खेड़ा विवाद में सीएम बघेल का जो है बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हम अंग्रेजों से नहीं डरे तो बीजेपी से क्या डरेंगे। बड़ी बात जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कही है, कहा कि हम अंग्रेजों से नहीं डरे तो बीजेपी से क्या डरेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की गिरफ्तारी हो चुकी है। असम पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, गिरफ्तारी के बाद जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया है। विपक्ष को यहाँ पर उन्होंने सरकार को यहाँ पर उन्होंने घेरा है, कहा है कि हम अंग्रेजों से नहीं डरे तो बीजेपी से क्या डरेंगे। दूसरे राज्यों में बीजेपी के साथ भी ऐसा हो सकता है, ऐसा उन्होंने कहा। वहीं निम्न स्तर पर बीजेपी की राजनीति है, ऐसा सीएम बघेल ने कहा है। गिरफ्तारी के बाद जो है कांग्रेसियों में भी काफी ज्यादा आक्रोश है। असम पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। इसी के साथ इस खबर पे हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं रायपुर से। प्रदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की गिरफ्तारी हो गई है, ऐसे में जो है कांग्रेसियों में काफी ज्यादा आक्रोश है। ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने बड़ी बात कही है कि हम अंग्रेजों के सामने नहीं झुके तो बीजेपी के सामने क्या झुकेंगे। जी जी अस्मिता, आपको बता दूं कि पूरी बात कांग्रेस महाधिवेशन में शामिल होने आ रहे कांग्रेस नेता पवन खेड़ा जी को पुलिस ने एयरपोर्ट में ही रोक लिया था। अब उसे गिरफ्तार करके कोर्ट ले जाया जा रहा है। जानकारी के अनुसार मोदी के दिवंगत पिताजी के खिलाफ के अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में असम में अलग अलग थानों में पवन के खिलाफ 15 FIR दर्ज है। जी, तो ऐसे में जी भूपेश बघेल यहाँ पर काफी ज्यादा जो है गुस्साए हुए अवतार में नजर आ रहे हैं। हम देख सकते हैं ट्विटर में कि काफी ज्यादा कांग्रेसियों में भी विरोध है। अभी हाल फिलहाल के क्या अपडेट्स है? देखिए, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की गिरफ्तारी के बाद सीएम बघेल का भी बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा, सरकारें तो अन्य राज्यों में दूसरे दलों के भी है, जो रास्ता साफ भाजपा अपना कर शुरुआत करे तो रास्ता अब दूसरे लोग भी अपनाएंगे। ये बात उन्हें समझ आ जानी चाहिए। एड़ी से चोटी और नागपुर से दिल्ली से भी जोर लगा ले तभी ये महाधिवेशन सफल होकर रहेगा। पवन खेड़ा साथ हम खड़े हैं करके भूपेश बघेल सीएम साहब का बयान आ रहा है। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को असम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ऐसे में अब कांग्रेसियों में रोष व्याप्त है। कांग्रेसी जो है काफी ज्यादा गुस्साए हुए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी यहाँ पर गुस्सा जो है सामने निकल कर आया है। बड़ी बातें उन्होंने कही है।